हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई पहुंचे बाड़मेर, पुलिस अधिकारियों के साथ ली क्राइम बैठक। नकली नोट प्रकरण एवं हेरोइन तस्करी के खुलासे को लेकर की पुलिस अधीक्षक की प्रशंसा। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बुधवार सवेरे बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के साथ एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और उसके बाद जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में बाड़मेर पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लोगों को गाइडलाइन की पालना करवानी है तो पुलिस निरंतर प्रयासरत रही है। साथ ही उन्होंने गत दिनों बाड़मेर पुलिस द्वारा सीमा पार से आई नकली नोट की खेप एवं हेरोइन तस्करी प्रकरण में बड़ा खुलासा की गई कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक की तारीफ की। जिले में बजरी माफिया एवं अन्य प्रकार के गैंग वॉर जैसी घटनाओं पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, माइनिंग विभाग और सरकार द्वारा बजरी को लेकर प्लानिंग की जा रही है और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति लोगों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बड़े कदम भी उठाएगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नवज्योति गोगोई आईजी जोधपुर रेंज, इन्होंने ये कहा। नहीं, एक तो कोरोना के संबंध में है, एसपी साहब और बाकी सभी ऑफिसर्स ने बाड़मेर का बहुत अच्छा काम किया और लोगों को अवेयरनेस डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया। मैं भी यही सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, बहुत ही जरूरत पड़े तो अभी बाहर निकलना है, ये जो आपका प्रावधान उसको आप सही तरीक़े से पालन करें। साथ साथ मैं तो इसलिए आया हूँ आज, जो भी बाड़मेर पुलिस ने गत कुछ दिनों में कुछ अच्छा काम किया, आप इस चीज़ में जो नकली नोट के मैटर हो, नहीं तो हीरोइन का रिकवरी हो और भी कुछ कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो हमारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ इश्यूज है जो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और जो अपराध, जो हमारा मेन काम है, जो हमारा रेगुलर इस पर हम करते हैं, अपराध का स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था का स्थिति क्या है, अलग अलग केसेस में पेंडेंसी क्या है, जो उस पर भी हम विचार करेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम इकबाल की रिपोर्ट।